दो दिन पहले आ, एक तस्वीर छपी पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे पे जिसमें तो जनरल आसिफ मुदरीफ जनरल राहिल शरीफ अशफाक परवेज के और अशफाक परवेज के आने भी थे और जनरल बाजवा नहीं थे, नहीं वो नहीं थे। और भी कोई आर्मी चीफ नहीं था उनके साथ जनरल जहांगीर करामत नहीं थे या नजर नहीं आए हाँ। और नॉन फेसेस नहीं थे बाकी बाकी ये दो थे। नहीं थे ये था। हाँ तो अब कुछ समझ आनी शुरू हो गई है कि ये दो क्यों नज़र आए और बाकी लोग शायद नज़र क्यों नहीं आए ये भी सोचिए कि ये दो जो नज़र आए हैं इनके दौर में जनरल कियानी के दौर में भी और जनरल रहील शरीफ के दौर में भी एक्शन लिया गया था आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी थी और इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की थी अब जनरल क्यानी के दौर में नेशनल लॉजिस्टिक सेल का एक एक करप्शन स्कैंडल निकला था जी, जी। आपको याद होगा जी, कोई बिलियन डॉलर एन एल सी के जो गबन हो गए थे या लॉस हो गया था उस वक्त भी दो जनरल्स जनरल्स में जो वन सर्विंग जनरल्ड बोथ रिटायर्ड बट उनको भी आ, उनके खिलाफ भी जनरल कीानी के जमाने में कार्रवाई हुई, हुई थी तो मेरा ख्याल है एक तो ये वजह थी कि जनरल कीनी को भी बुला लिया गया इनवाइट कर लिया गया क्योंकि उनको भी याद दिलाया होगा कि आपने भी करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया था और यहाँ भी हमें नजर आ रहा है तो आई विल नीड सपोर्ट ऑन दिस इसी तरीके से जनरल रहील शरीफ के जमाने में भी, भी छह आर्मी ऑफिसर्स को डिसमिस किया गया था फॉर करप्ट अच्छा आ, और इसीलिए मैं समझता हूँ जनरल रहील शरीफ भी Uh, को भी साथ ले लिया गया कि ये चीज़ें होती हैं और आपने भी किया था मैं भी करने जा रहा हूँ mm -hmm. और जो साथ इल्ज़ाम जो लगाया जनरल फैज के ऊपर वो करप्शन का भी है ना जी. तो वो आई थिंक वो बेस को कवर करने के लिए mm -hmm. उन्होंने जनरल कियानी के ज़माने में जो हुआ mm -hmm. और जो जनरल रही शरीफ के ज़माने में हुआ mm -hmm. वो साथ ले लिया ठीक है बाकी आइए आप बात जो कंस्परेसी थे रही है कि जी दिस वॉज एन अटेम्प्टू पुट प्रेशर ऑन जनरल आसिम टू इंस्टिगेट समथिंग अगेंस्ट एम ऑट ऊपर प्रेशर ऑन एम कि इमरान खान के साथ मुख मका करो आ, तो क्योंकि ये हो रहा है और बेचैनी है फौज के अंदर भी और लोग आके कहेंगे कि जी सर बड़ा गड़बड़ हो रही है रोको इनको पी टी आई के साथ को मुख मका कर लें या आप कर लें या फिर आप स्टेपासाइड करें so इस किस्म की चीज़ भी हो सकती थी जो कोशिश हो सकती थी अच्छा। और इल्ज़ाम यही मेरा ख्याल है इल्ज़ाम जो लगेगा अब बनाया जाएगा वो यही लगेगा कि इट वॉज अ ग्रैंड कंस्परिसी अगेंस्ट द रूलिंग इस्टबलिशमेंट कि जी इमरान खान के हक़ में कोई फैसले हों और प्रेशर डाला जाए सो इट इट प्रेशर और मे बी लीडिंग टू अदर अटैप्टू अब ये आई थिंक एक केस तो बनना बन जाएगा अब अच्छा. और अगर जनरल फैस से और, और लोगों से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल गई हुँ. क्योंकि अब साकििब नसार को भी बुलाया जाएगा कि जी आपने ये बात कही थी फलाने जज को और ये किया और वो किया तो पूरा एक कंस्पिरसी बन रही थी सो आई थिंक ये चीज़ें डेवलप हुई हैं अच्छा uh, अब बात यह है कि क्या uh, uh, ये जो फैसला हुआ है इसके साथ इसके नतज क्या होंगे वी कैन डिस्कस दैट बट बात यह है कि देखिए तारीख़ में अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस इज़ हैपन अलबत्त ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया हमेशा बड़ी लो प्रोफाइल रहती है चीज़ें फॉर एग्जाम्प 1951 में आशा में अटेम्प्टेड एक अच्छा। की तैयारी हो रही थी कंस्पिरसी जैसे रावलपिंडी कंस्पिरसी केस कहते हैं अच्छा। उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान के लीडर्स जिसमें फैर अहमद फैज़ और सज... 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 सजाद जहीर थे और उधर जनरल अकबर ख़ान थे जिन्होंने ये फैसला किया कि ए, इस वक्त जनरल अयूब खान को, की जो क्या दत है जस्ट सीएनसी hmm. उसको हटाया जाए लियाकत अली खान को फरक किया जाए अच्छा एंड इट वाज एन अटेम्प्ट टू असेसिनेट लियाकत अली खान द प्राइम मिनिस्टर एंड सीज पावर तो ये उस वक्त भी हुआ पर hmm. वो प्रूव नहीं हो सकी कंस्पिरेसी मगर सजाएं मिल गई मिल गई थी लोगों को अच्छा। मगर वो इतनी हाई प्रोफाइल नहीं थी उस वक्त मीडिया भी नहीं था चुप नहीं करके ये हो ना, जाता ना, था बाद में पता चला कि वो राहुल पंडित इंस्परिसी केस पे कुछ लोग पकड़े गए फिर कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं और आज तक वो पूरी कहानी जो लोग पकड़े भी गए उन्होंने भी पूरी नहीं बताई कि किस किस्म की साजिश थी या थी भी या नहीं थी या बैठ के ड्राॅइंग रूम में गप्पे मार रहे थे और पकड़े गए तो उसके बाद नाइनटीन एटी में जनरल जिया अभी आए थे और अभी भुट्टो साहब आ, उनको फांसी दी हाँ दीज़ी। उनका ये था तो उस वक्त एक अटेम्प्टेड कू था बाय मेजर जनरल हुसैन मलिक अच्छा। उन्होंने कहा कि वो खिलाफत चाहते थे और वो ट्रू इस्लामिक सिस्टम चाहते थे वो समझते थे जिया फ्रॉड है और ज़िया जो है इसका इस्लाम जो है ये ना इधर है ना उधर का है तो वो भी एक उन्होंने भी एक कू प्लान कर रहे थे कि ज़िया को उड़ा दिया जाए और एक खिलाफत और इस्लामिक सिस्टम एक नया जेन्यून इस्लामिक सिस्टम लाए वो भी पकड़े गए थे और सजाएं हुई नाइनटीन में फिर okay. एक हुई थी hmm. वो थे मेजर जनरल जहीर अब्बासी साहब और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक़्त और आ, वो एम आई ने वोसी जो थी था? आ, उन्होंने पकड़ी थी उस वक्त डी जी एम आई मेरा ख्याल कुली खान थे जनरल कुली खान जी. आ, और उन्होंने ये पक, पकड़ी थी hmm. और उनको एक्सपोज किया था नाइन्टीन अच्छा। में जनरल जयाउद्दीन भट थे डी जी आई एस आई नवाज़ शरीफ की हुकूमत जब मुशर्रफ़ ने रिमूव की तो ज़ियाउद्दीन भट्ट को भी दो साल एस डी जी आई एस आई हाउस अरेस्ट में रखा था ये भी लोग याद नहीं रखता लोगों को पता है कि एक डी जी आई एस आई को भी हाउस कर रखा गया था बिकॉज वो नवाज शरीफ साहेब के करीब थे थी। फिर दो हजार नौ में मैंने बताया कि एक स्कैम हुआ था एन एल सी स्कैम जो कि जनरल क्नी के ज़माने में हुआ और उन्होंने एक्शन लिया उसके बाद दो हजार ग्यारह में एक और अटैम्प्ट हुई थी आ, वो हिजबुल तहरीर एक ब्रिटिश रेडिकल इस्लामिक ग्रुप था जिसने अपने पाओं जमा लिए थे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान की अफाज के अंदर भी और कोशिश उनकी ये थी कि यहाँ भी कोई इस्लामिक कू हो जाए और उसमें भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब थे जिनको फिर पकड़ पकड़ लिया गया और उनको भी जेल में डाल दिया गया 2016 में मैंने बताया कि जनरल रहील शरीफ ने एक्शन लिया था छह अफसरों के खिलाफ 2019 में जनरल बाजवा ने आ, के जमाने में एक जनरल थे जनरल जावेद इकबाल साहब रहें उनको एस पी अनाज के अंदर सजा दी गई आ, क्योंकि वो उनके उनके, उनके, उनके ये था कि उन्होंने जास, जासूसी आदस, की है, है। किसी मुल्क के लिए तो ये चीज़ें तो होती रही हैं एंड सो ये कोई स्पेशल चीज नहीं है मगर क्योंकि ये पहली दफा ऐसा है कि एक मेजर पोलिटिकल पार्टी नाइनटीन फिफ्टी वन में तो कांग्रेन पार्टी छोटी सी ना इधर की थी ना उधर की थी ये पहली दफ़ा के एक आर्मी ऑफिसर्स ने एक पॉपुलिस पार्टी के साथ hmm. इतनी कि उसके लीडर के साथ मिल के दे वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू ओवर थ्रो दैबलिश ऑर्डर सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब इन्होंने फैसला ये किया है कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन और मैं समझता हूँ काफ़ी सीवियर एक्शन होगा hmm. uh, यही हमारे खबरें मिल रही हैं कि अब फैसला जो हो गया है तो अब नरमी नहीं दिखानी अब पूरी फील्ड कोर्ट मार्शल ही होगा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख रहे थे कि खान साहब को जो जोडिशी छोड़ रही थी हर केस के अंदर और अब अगर ये आर्मी एक्ट के अंदर ये ट्रायल्स होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आ, फिर तो एविडेंस कुछ तो ऐसे जो, मिलेंगे की, की जो अक्यूज़ है वो तो फौजी है हाँ। तो उसके साथ सिविलियंस जो हैं वो तो रगड़े जाएंगे साथ जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अब सोचना चाहिए कि ये रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल आगे आ रहा है और पी के लिए भी और ख़ान साहब के लिए भी